हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आरती एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो फ्लावर, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और यम है। तो सबसे पहले एक पैन में हम तेल ले लेंगे, जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज करते हैं। तेल के गर्म होते ही उसमें हम लहसुन की कुछ कलियां चॉप करके ऐड कर देंगे और साथ ही में कुछ काली मिर्च को भी क्रश करके ऐड कर देंगे। जैसे ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाती है, क्रिस्पी हो जाती, तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और थोड़ा सा प्याज, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा आप इसमें मशरूम या पनीर या कोई और अपनी सीजनल फेवरेट सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इन सारी सब्जियों को हम हाई फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से चॉप किए हुए टमाटोज। टमाटोज का ध्यान रखिए, जब हमारी जो सब्जियां हैं अच्छे से सॉटे हो जाएंगी तभी हम इसमें टमाटोज डालेंगे। थोड़ी से केचप डाल देंगे, टमाटो केचप। फिर यहाँ फ्लेवरिंग के लिए थोड़ा सा मैं एक चम्मच के करीब ऑर्गेनो यूज कर रही हूँ और इन सारी सब्जियों को अच्छे से हम हाई फ्लेम पे पकने देंगे। ज्यादा नहीं पकाना है हमें इसको, 70-80% ही पकाएंगे हम। फिर यहाँ पे अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पे एक चम्मच मेयोनेज यूज़ की है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऊपर से हम डाल देंगे इस यहाँ पे स्प्रिंग अनियन, इसको भी चॉप करके ऐड कर देंगे और बस फ्लेम को ऑफ करके साइड में रख देंगे। तो हमारा फ्लावर का जो बेस है वो बनकर के तैयार हो गया है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम अपने जो हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है यानी कि आलू, उस पे आ जाते हैं। तो आलू को मैंने यहाँ पे छील लिया है और उसके बाद इसकी इस तरह से हम चिप्स की तरह इसको कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं कट करना है, जैसे कि चिप्स होते हैं ना बिल्कुल पतले से, वैसा नहीं करना है। इस तरह की हमें इसकी जो मोटाई है इतनी रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो और बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल क्रिस्पी बिल्कुल पतली भी ना हो। तो फिर हमने इन सबको कट करके इसको अच्छे से वॉश करना है, 3-4 बार हमें इसको अच्छे से पानी से वॉश करना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कीजिएगा। फिर उसके बाद एक पैन में पानी ले लेंगे, पॉइनिंग के बॉयल होते ही उसमें एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे और जितने भी पोटैटोज हैं उसको हम हल्का सा ब्लांच कर लेंगे, यानी कि इसको 50% हम पका लेंगे। तो जितनी देर हमारे आलू पकते हैं तब तक हम अपने बीट रूट से कलर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बीट रूट लिया है, इसको हम आधा जो है कद्दूकस कर लेंगे जो कि हमें एक बहुत अच्छे कलर के लिए हेल्प करेगा। ये स्टेप जो है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम फ्लावर बना रहे हैं तो फ्लावर में जो कलर्स है ना ब्यूटीफुल लगते हैं, तो अगर आप ऐड करेंगे तो हमारा फ्लावर जो है देखने में और भी ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ये कद्दूकस किए हुए थोड़े से इसके ये बीट रूट ले लिया है। अभी आप देख सकते हैं कितना इसका कलर है। मुझे बीट रूट का सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है कि कलर बहुत अच्छा देता है। तो किसी भी डिश में आपको अगर पिंक कलर चाहिए तो आप चुकंदर का जरूर यूज करें। तो यहाँ पे हमारे पोटैटोज भी ब्लांच हो गए हैं, 50% पक गए हैं, तो इनको भी हम स्टेन करके अलग से निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद हम इसको एक टिश्यू पेपर से वाइप कर लेंगे, अच्छे से सुखा लेंगे। फिर यहाँ पे एक बेकिंग डिश लेंगे और जो हमने वेजीज को सॉटे करके रखा था वो इसमें हम डाल देंगे, जो कि हमारे फ्लावर को एक नीचे से बेस भी देगा और साथ ही हमारे जो पोटैटोज हैं वो जब क्रिस्पी हो जाएंगे तो उनको एक सॉस का काम करेगा, उनके साथ एक एक अच्छा सा फ्लेवर देगा। तो इस तरह से हम इसको स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर हम अपना फ्लावर बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइस ली है आलू की और इस तरह से हम इसको इस तरह से डिप कर लेंगे थोड़ा सा इसके बीच में। तो अभी देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कलर पिंक साइज के ऊपर आ गया है। तो एक फ्लावर की जो पेटल है हमारी बन करके तैयार है। तो जो एक्स्ट्रा जो बीट रूट का इसमें हिस्सा था वो हम निकाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बीट रूट का जूस भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी स्लाइसेस को स्प्रेड कर देंगे और एक फ्लावर की शेप दे देंगे। अभी से ही देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो इस फ्लावर को थोड़ा सा चीज़ी टेक्सचर देने के लिए मैं यहाँ पे चीज़ यूज़ कर रही हूँ, साथ साथ में जहाँ जहाँ पे स्पेस है उसमें चीज़ फिल कर देंगे और साथ ही में आप ब्रश इसको थोड़ा सा बटर या फिर ऑयल के साथ ब्रश ज़रूर कर दीजिएगा, ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा दीजिएगा या फिर बटर। मैं विजुलाइज़ करना उसको थोड़ा स्किप कर गई थी वीडियो बनाते हुए, लेकिन आप ज़रूर कीजिएगा। फिर हम इसको बेक कर देंगे 200 डिग्री पे 40 मिनट्स के लिए, जिससे इसका बहुत ही क्रिस्पी टेक्स्चर आता है और बहुत यमी बन करके तैयार होता है। ऊपर से ऑर्गेनो स्प्रेड कर देंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।